एक्टिंग की तरफ आने में ही ज्यादा फायदा है। मॉडलिंग तो मैंने की नहीं एज सच, और मैंने एक्टिंग से शुरू किया, अब मॉडलिंग कर रही हूँ। फायदा है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए। रियली चलती रहनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, मॉडलिंग से एक्टिंग के बारे में ज्यादा फायदा है? हाँ ऑफ कोर्स, किस तरह का? क्योंकि जब आप एक्टर बन जाते हैं तो मैसिव है, ऑब्वियसली ऑडियंस ज्यादा है, तो फिर जब आप लॉन का शूट करते हैं तो फिर अलग बात है, ब्रांड बन जाते हैं फिर। ठीक है, आपका नाम ज्यादा बनता है, दैट मींस बीइंग एन एक्टर इज एक्सपोजर है ना, लोग ज्यादा देखते हैं। मॉडल्स के लिए ज्यादा रिकॉग्निशन मतलब है, लेकिन बहुत टाइम बाद नहीं है, स्ट्रगल पीरियड बहुत टाइम के बाद है जब तक हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, मुझे अगर कोई लड़का ये वाली लाइन बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। अब तो इट्स टू लेट, अच्छा जी, अगर लड़का ये लाइन बोलता तो बहुत गुस्सा चढ़ता है। क्या बोलूं मैं यार, फल्ला गुस्सा नहीं चढ़ता। हाँ, मैंने आपको कहीं देखा है? नहीं, मुझे इसमें गुस्सा नहीं चढ़ता। कैसे मेरी जीभ लाइन है ना, मैं एक्चुअली जब मुझे भी आइस ब्रेक करनी होती है मैं शुरू यहीं से करती हूँ। हमने कहीं नहीं देखा, लेकिन अब रीवा में तो मैं वाकई रीवा को ये कहा था, मैंने कि देखे ना इसे, ये कहा ये कह रही थी, मैंने कहा ना हमने कोई शो किया साथ, हमने कोई शो किया साथ, कहीं देखा है यार, कमाल हो गया यार, कमाल। यार मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे आई थिंक ये मेरे वाली मेमोरी होगी। मुझे अपने गुस्सा किन लोगों पे आता है जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता। देख रही हूं ये मेरे वाली मेमोरी, मैं ऐसा मैं एक ड्रामा देख रही हूं, तेरी मैं एक ड्रामा, मेरे ड्रामे का बोल रही हूं, मैं ड्रामा देख रही हूं ये, मैं कब मैं हां यार मैंने कहा जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, घर में अगर मैं बहुत लेट जाऊं तो इस तरह से डांट पड़ती है। अरे अम्मा की आंखें डिफरेंट होती हैं उस दिन, फुल गुस्सा। हाँ हाँ, चाहे काम से लेट आए या दोस्तों से लेट आए ना, उनका गुस्सा नेक्स्ट डे तक चलता है। वाह, लेट क्यों आए हो? मेरा शौहर इस बात पे गुस्सा खाता है कि जब भी मैं स्पॉन्टेनियस प्लान्स बहुत बनाती हूँ और फिर मैं सबको फोर्स करती हूँ, मैं कहती हूँ अभी करना भी है और होता भी है, बट देन ही इज लाइक आई नीड टू हैव अ प्लान, ही इज अ पर्सन हु ऑलवेज wants to have a plan. My God, it's so familiar because I absolutely have no plan. My wife is always like, "Yar, 4 days pehle." I said, "Tum 4 days pehle batayega yaar? Ye kya hai? Ye kya hai? Ye kya hai? Zindagi hai? Khatam kar do adventure. High five on that, buddy. Yeah, see, koi adventure zindagi. Koi adventure na chahiye. Koi matlab. Achanak faisla karo, achanak niklo. ठीक है जी, मेरा ज़्यादातर पैसा किस चीज़ पे खर्च होता है? Shoes पे. Shoes पे. Oh, I love shoes. Really? I'm a shopaholic, but shoes पे तो मेरे पैसे हैं. खत्म। क्या मतलब कहाँ से जाके ज्यादातर? क्या डिजाइनर शूज पे ज्यादा पैसा जा सकता है ना, इतने महंगे होते हैं और लेने भी होते हैं, एक तो चाहिए। ठीक है, ओके। सेट पे अगर ये चीज हो जाए तो मैं सेट छोड़ के चली जाऊंगी। कोई बदतमीजी करे? आप रिस्पेक्ट सिर्फ तभी ले सकते हैं जब आप रिस्पेक्ट हैं। आई थिंक बदतमीजी। मैं ऐसा ड्रामा कभी साइन नहीं करूंगी जिसमें ये होगा। कोई इंसान या हाँ, कोई चीज़? इंसान ही और कुछ जानवर? आई डोंट नो, मैंने काम इतना कम किया है, 4 ड्रामे तो किए हैं ऐसे नबी। क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं यार। सवाल ठीक है, ठीक है। या अच्छा, डरने से पूछे। मुझे उन लोगों से मोहब्बत हो जाती है जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्लासिक होता है। Okay. मुझे तो हो जाती है, बड़ी जेन्युइन अच्छा? हो जाती है जिनका ह्यूमर अच्छा है। ठीक है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर चमका है सब लोग। हाँ जी, मैं उन लोगों से प्यार में मुब्तला हो जाती हूँ जो बहुत केयरिंग होते हैं। जो केयरिंग होते हैं, मुझे एक्स्ट्रा केयरिंग लोग कभी कभी अनॉय करने लग जाते हैं। एक्स्ट्रा केयरिंग लोग होने चाहिए, वो अनॉय ही हैं। लेकिन मुझे नॉर्मल केयर होती है, एक तमीज होती है एक लड़की के लिए। अच्छा, हमें तो एक्स्ट्रा केयरिंग बहुत पसंद है भाई, साफ सी बात है। एक्स्ट्रा केयरिंग टाइप लोग इस पे मेरा और धर्नेश का बनता है। जो दूर दूर रहने वाले लोग नहीं, दूर दूर भी नहीं, इट्स अ वेरी थिन लाइन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन caring, nicely okay. caring, and then there is but like suffocating caring. पर मुझे लगता है इन रिलेशनशिप देयर इज नो लाइन। व्हाट इज सफोकेटिंग? यू डोंट हैव दैट सफोकेटिंग केयरिंग इन लाइफ। आई थिंक सफोकेटिंग केयरिंग, आई थिंक इन रिलेशनशिप देयर इज नो लाइन। देयर इज नो लाइन इन रिलेशनशिप, इज नो लाइन। यार एक और रही बड़ी फिलोसॉफिकल वे में सारे आज एक के बाद एक आ गए। मैं बहुत बड़ा हूं, आई एम वेरी बड़ा। ये मेरा तो उर्दू वाला मसला आ जाता है कभी-कभी। खवातीन से पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल
कि वो पैसे कहाँ खर्च करती हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पूछा, उनको लगता है कि सिर्फ औरतें ही खर्चा करती हैं। अरे यार, सब करते हैं, ऐसे को भी देखिए कितना वेल ड्रेस्ड है। शॉपिंग खवातीन के लिए घूमती है, हमारे कमर्शियल्स बाजार भी खवातीन देखो, क्योंकि घर भी चला रही है ना बेचारी, ग्रोसरी करने गई होंगी घर का सामान। मेरा क्रश लेकिन यार अब मुझे उनका ओरिजिनल नाम नहीं पता, बट प्रोफेसर फ्रॉम मनी हाइस्ट। मैंने ना अभी पिछले सीजन से शुरू किया, नया आ रहा है। मेरा क्रश, मेरा क्रश, मैंने उसको क्रश कर दिया। ठीक है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस एन हैथवे, या आई लव हर, मेरिल स्ट्रीप। यानी कि लोकल तो कोई हम में भाता ही नहीं है, लोकल नाम ना लेने की वजह। लोकल मुझे बड़े सारे बहुत पसंद है, सब जब दोस्त होते हैं ना तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आधे लोगों को यहाँ पे वो हैंडलिंग बड़ी मुश्किल है, बहुत सारे लोग हैं, मैं बड़े सारे लोगों की यहाँ पे फैन हूँ। किसी पुराने सीनियर एक्टर का नाम नहीं तो फिर सारे कहते हैं अपनी लॉट में से लें, क्या मजा है। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, मेरी तो तीन है। अच्छा, मुझे मायरा, महविश और सबा। तीनों में वैरायटी भी डिफरेंट डिफरेंट है, सो मेनी फ्लेवर्स, एक ठहराव और ये सब। ओके जी, इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा फ्लर्ट इंसान। अरे जी, कौन है ये? कौन है? मैंने आपको बोला था मैंने कम काम किया है, मेरा वास्ता नहीं पड़ा अभी। नहीं पड़ा वास्ता? फ्लर्ट इंसान से वास्ता नहीं पड़ा? सर यार, मैंने करने नहीं दिया हुआ। ठीक है, ओके। इंडस्ट्री का सबसे फ्लर्ट इंसान। आप हम लोगों से डिफरेंट डिफरेंट सवाल नहीं कर रहे, ये कभी मानिए। यार पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक सभी हैं, सब बहुत फ्लर्टेशियस हैं। अच्छा, रियली? सब 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 बहुत फ्लर्टेशियस हैं, सब फ्लर्टेशियस हैं। यानी ऑल वो एक नेचुरली प्यार मोहब्बत, कभी ऐसा भी तो होता है ना जर्निश के आपको रोमांटिक सीन्स कर रहे हैं आप, ऐसे तो एक केमिस्ट्री भी तो डेवलप होती है, तो लोग कहते हैं अच्छी तरह बातें कर रहे हैं आपस में, गपशप कर रहे हैं। As being girls, as being a girl, I think हम लोग बहुत ऐसे बता सकते हैं कि ये सीन हो रहा है या क्या हो रहा है। So sometimes you get really uncomfortable. Yeah, सच में ऐसा बोल रहे हैं। Exactly. So sometimes you do get really uncomfortable and you know what's going on. But then I'm one of those who actually go out and say if I'm not comfortable doing something. So obviously. हाँ. लेकिन let's just say कि everyone, I कोई एक नहीं. Or I mean like इंसानी फितरती ऐसी है. Naturally, है ही ऐसी। हाँ। तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक मतलब ये लड़कियां नहीं होती फ्लर्टेशन। अगर मैं अभी जैसे आपने क्रश के बारे में किसी के बारे में बोल रही थी कि मुझे कोई पसंद है, वो सामने आ जाएगा दो सेकंड के लिए, मैं भी सोचूंगी कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, बंदा डर जाता है उसके सामने एक्टिंग करते हुए, या यू नो इंटिमिडेट हो जाता है, इंटिमिडेट हो जाता है बंदा थोड़ा। ठीक है जी, मुझे अपनी पर्सनैलिटी में क्या सबसे ज्यादा पसंद है? कि मैं बहुत पॉजिटिव और गोल मिल जाती हूँ। ओके, ठीक है। I yet have to work with both of you. I don't even know you on the set. We have to. ठीक है, इंशाल्लाह। मुझे अपनी पर्सनालिटी में सबसे बुरी चीज ये लगती है। Impulsive में होती थी, अब नहीं हूँ। I trust way too easily. मतलब लोग कहते हैं ना कि एक दो दफा ठोकर लगने के बाद आप सीख जाते हो। मुझे सेम बंदा भी कम से कम 6 दफा ठोकर मार सकता है, वो आके सिंसियरली अपोलोजाइज कर लेगा, मैं भूल ही जाती हुआ क्या था। वो हम मेमोरी की बात कर रहे थे ना, मेरी याद ही नहीं रहता, तो फिर लड़े किस चीज पे? मेरे हस्बैंड बड़ा फायदा उठाते हैं इस बात का, मुझे कभी फाइट्स याद नहीं रहती, मैं बात शुरू करते ही भूल जाती हूँ कि अच्छा लड़ किस चीज पे रहे। एंड ही इज लाइक जर्नेश, यू डोंट इवन रिमेंबर व्हाई वी फाइटिंग। ठीक है जी, मेरी सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी बुराई, जो मुझ में बुराई है, जो मुझे पसंद नहीं है, सबसे बड़ी है, लगता है कि ये खत्म हो जानी चाहिए। आई थिंक वो भी यही है कि मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ दोस्तियां कर लेती हूँ, और मुझे और अभी आप एक मिनट पहले मुझे कुछ बुरा लगेगा भी ना आपका, और आप अगले मिनट मुझसे बात करेंगे, मैं भूल जाऊंगी कि क्या क्या था आपने। एंड समहाउ ये अच्छी बात है, लेकिन वो मुझे बुरी भी लग जा कभी कभार लोगों के लिए, मुझे हो जाता है कि नहीं। इंडस्ट्री की सबसे मासूम एक्ट्रेस, अभी ना कहते ना मैं, मुझे बिल्कुल भी मासूम बनने का शौक नहीं है। मुझे बिल्कुल मासूम बनने का शौक नहीं है।
यार अगेन मैं इतना अपने बबल में रहती हूँ कि मेरे बड़े सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने कभी भी वो लाइन क्रॉस करके पर्सनल लेवल पे ना जानने की कोशिश की, ना मुझे पसंद यार है। ये वैसे नाम और शक्ल पे जाना नहीं चाहिए, कभी शक्ल पे मत जाएं किसी की, कितना आपको मासूम लग रहा है वो सबसे ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है और ये मुझे देखिए क्यों कह रही है, मुझे आप पोस्ट है इसलिए आपने क्वेश्चन किया था, ये गिल्टी हो रहे हैं, मैं छोड़ के दाढ़ी भी दूंगा। नहीं बिकॉज ये होस्ट है, अगेन मैं आपको भी उस तरह नहीं जानती कि मैं कोई भी स्टेटमेंट दे सकूं। तो कोई तो होगी मासूम लगती होगी लड़की, बड़ी लगती है, सारी लगती है मस्तन, बट देन व्हेन मुझे मायरा बहुत वो लगती है इनोसेंट, मुझे माया, सारा मुझे बहुत इनोसेंट लगती है, सारा ठीक है, एंड देयर सेवरल अदर, देयर आर लॉट ऑफ नेम व्हिच आई थिंक, लेकिन अगेन मैं उनको पर्सनल लेवल पे उतना क्लोज अप नहीं जानती टू से के कौन कितना क्या है। ठीक है जी, ये तो जरूरी नाम लेगी इंडस्ट्री का मेरा ऐसा दोस्त जो बहुत चालाक है। चालाक है किस सेंस में? चालाक मतलब होशियार होगा, समझदार होगा या होगी? गलत सवाल कर रहे हैं आप मुझसे। दोस्त है चलाक, चलाक तो कोई नहीं है, सारे अपने चीजों में सब मासूम है। मैं हो सकती हूँ शायद चलाक, लेकिन तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मुझे तो नहीं लग रही खेल रही है लड़की, सेफ खेल रही है, सेफ प्ले कर रही है। मैं खुद चलाक हूँ क्योंकि मैं खुद चलाक हूँ, इसलिए मैं सेफ प्ले कर रही हूँ। ठीक है जी, अगर मैं अपने अंदर ये बदलना चाहूँ तो क्या बदलूंगी? मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए, रहने के लिए आपको एक यू हैव टू हैव अनदर फेस एंड आई डोंट, आई एम माई सेल्फ, आई डोंट नो बींग अनदर वे, आई जस्ट डोंट, एंड समटाइम्स दैट कम्स एंड बाइट्स यू इन द, यू मीन यू हैव टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा कर्टियस और यू हैव टू बी अ लिटिल, आई थिंक आई एम वेरी पॉलिटिकली करेक्ट एट टाइम्स, पॉलिटिकली करेक्ट, एंड यू हैव टू हैव दैट ऑरा अराउंड यू व्हिच सेज दैट यू आर समवन एल्स, यू आर द आइडिया of someone else's, you know, वो के someone else's ideal, के आप जहाँ जा रहे हैं उसके आपको आपको समझ में आ जाती है ये किस तरह के judgmental लोग हैं और आपको वैसा ही रहना चाहिए और मुझे नहीं आता। Okay. I am myself and I don't know any other way. I wish.